मैं जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। विधानसभा चुनाव की आहट आनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चार बार के रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को एक बार फिर से चुनाव के पहले मंत्री बनाकर यह तो तय कर दिया विंध में राजेंद्र ही चेहरा होंगे। इसका सीधा सा मतलब है रीवा की विधानसभा सीट पर राजेंद्र चुनाव लड़ेंगे। बड़ा सवाल राजेंद्र के मुकाबले रीवा में राजेंद्र शुक्ला के मुकाबले कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, अब सबकी निगाह इस ओर टिक गई है। कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं महिला कोटे से कविता पांडे अपनी दावेदारी जता रही हैं। इसके अलावा अन्य भी कई नाम हैं, लेकिन गंभीरता से इन नाम के अलावा कांग्रेस विचार कर सकती है अपने रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा पर। यह तो तय है कांग्रेस के पिछले प्रत्याशी अभय मिश्रा के भाजपा में जाने के बाद रीवा में कांग्रेस का विधानसभा प्रत्याशी का चेहरा एक बार फिर बदल जाएगा। वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो दीपक सिंह आम आदमी पार्टी के चेहरे हो सकते हैं। बीएसपी भी यहां से अपना प्रत्याशी उतारेगी। समाजवादी पार्टी का भी एक चेहरा होगा। आम आदमी पार्टी के दीपक की बात छोड़ दी जाए तो बीएसपी और सपा का चेहरा निश्चित रूप से ऐसा होगा जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन की धूम है। विपक्ष की लड़ाई एनडीए और इंडिया में आकर टिक गई है। पिछले कई चुनाव पर नज़र डाली जाए तो विपक्ष पार्टियों के वोट का बंटवारा जातिगत आधार पर भी होता रहा है। यह अलग बात है, यह नज़ारा केवल चुनाव के समय ही नज़र आता है। कांग्रेस ने अगर अजय मिश्रा बाबा पर दांव खेला तो विधानसभा चुनाव रीवा एक बार फिर रोचक हो सकता है पिछली बार की तरह। हालांकि अन्य प्रत्याशी भी राजेंद्र शुक्ला को टक्कर देने की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी विकास की छवि को लेकर आत्मगुद नजर आ रहे हैं। उनको यह नहीं भूलना चाहिए महापौर चुनाव के समय भी रीवा में विकास एक मुद्दा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रीवा चुनाव हार गई। कांग्रेस पूरी तरीके से एक नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। ऐसे में माना जा सकता है प्रत्याशी कोई भी हो रीवा का चुनाव रोचक होगा। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।